यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बजट सत्र के दिन सदन में विशेषाधिकार हनन का मुद्दा खूब गूंजा। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया और सरकार पर समय समय पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। उपनेता करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों की समय समय पर उपेक्षा की जा रही है, जिसको लेकर सरकार को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही अभी इस पर नहीं हुई। वहीं पर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि विपक्ष के सभी विधायकों को उचित सम्मान दिया जाता है, विशेषाधिकार हनन का मुद्दा नहीं बनता। लाल फीताशाही इतनी बुरी तरह हावी है इस राज्य में। आपने अभी जो शराब, कच्ची शराब वाली घटना देखी, 7 तारीख की घटना है, और सदन में मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि 8 तारीख को सूचना प्राप्त हुई। किस तरीके से जिला स्तर के कर्मचारी अधिकारी कार्य इस राज्य में कर रहे हैं, ये देखने लायक है। विधायक लोग अगर कोई समस्या लेके जाते तो उनसे ठीक तरीके से बर्ताव नहीं होता। और सरकार ने ये कहना कि जिस व्यक्ति के ऊपर हरीश धामी जी ने आरोप लगाया कि उनके संग अभद्रता की गई, उसी से पूछा जा रहा है कि भाई तुमने अभद्रता की या नहीं की। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वो अपने को क्यों बोलेगा कि मैंने अभद्रता की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दबाव है। एक सत्ता पक्ष के साथी का भी ये इसी तरीके का प्रकरण आया, उसमें तो उसको जो है दिशा निर्देश दे दिए गए, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने की बात पीठ से हुई। देखिए, ये तो आरोप लगाने वाला विषय, आरोप क्या भी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विधिवत तरीके से कार्य हो इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रेसिडेंस ऑफ प्रोटोकॉल का जहां तक प्रश्न है, जो उसकी गाइडलाइन है, उसका अनुपालन अधिकारियों के द्वारा किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। घटनाक्रम, जिस घटना को इन्होंने माननीय सदन के समक्ष रखा था, उस घटना के आधार पर संबंधित व्यक्ति जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था, उनका उत्तर लिया गया, और उत्तर लेने के उपरांत और इनके द्वारा लगाए गए आरोपों का परीक्षण करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अपना विनिश्चय रखा गया है।